अर्धवार्षिक एवं तिमाही संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। वर्तमान में कई कार्यों एवं बैंकों में ब्याज की गणना वार्षिक न करके अर्धवार्षिक या त्रैमासिक की जाती है, अर्थात हर 6 माह अथवा 3 माह में मूलधन बदल जाता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो एक वर्ष में 2 6-माही यानी कि 2 अर्धवार्षिक होता है और ब्याज की दर आधी हो जाती है, तथा यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो इस स्थिति में 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है और ब्याज की दर 1/4 हो जाती है। इनकी गणना इस प्रकार की जाती है। पहला, अर्धवार्षिक संयोजन होने पर मिश्रधन बराबर मूलधन गुणित कोष्टक में 1 धन अर्धवार्षिक ब्याज दर / 100 पूरे की घात अर्धवार्षिक की संख्या। दूसरा, तिमाही संयोजन होने पर मिश्रधन बराबर मूलधन गुणित 1 धन तिमाही ब्याज दर / 100 पूरे की घात तिमाही की संख्या। करके देखें। पहला, 1.5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ₹4,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दूसरा, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो ₹1,500 पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तीसरा, दीपक ने एक बैंक से ₹80,000 कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष और समय 2 वर्ष हो तो उसके द्वारा कुल देय राशि में अंतर ज्ञात कीजिए, जब पहला वार्षिक संयोजन हो, दूसरा अर्धवार्षिक संयोजन हो।